हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोचा कि ठंड के मौसम में पालक से बनी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी शेयर की जाए। ऑब्वियसली पालक सबको पसंद नहीं आता है, तो मैंने सोचा पालक को क्यों ना हमारे घर पे जिस तरीके से लहसुनी पालक बनाया जाता है वैसी रेसिपी शेयर की जाए। बिलीव मी, टेस्ट बिल्कुल ढाबा कह लें या रेस्टोरेंट कह लें, एकदम वैसे ही टेस्ट आने वाला है। और अगर एक बार बना लिया ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हर बार आप पालक को इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है ये, इसे ट्राई करना बनता है। तो इस मौसम घर में पालक आ रहे हैं तो बस पालक उठाइए और इस रेसिपी को देखने के बाद बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिलीव में आप रुक नहीं पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए बनाने के लिए क्या किया मैंने, एक बंच पालक का ले लिया है, ठीक। अब इस एक बंच पालक को धो लिया, सुखा लिया अच्छी तरीके से, हरे हरे पत्ते हैं। अब क्या करना है, इसे बॉयल करना है। बस 4 से 5 मिनट कुकर में बॉयल कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट पड़ जाए। तो देखिए पानी डाल दिया मैंने 1 कप। अब क्या करेंगे, ये पालक डाल देंगे। इसको डाल लेने के बाद देखिए सारे पालक मैंने डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और इसे ढककर जो है 4 से 5 मिनट जो है हम इसे पकने देंगे। तो बस इसे हम ढककर पकाते हैं। साइड में एक और काम करते हैं, यहाँ पे सोया चंक्स मैं डालने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पालक और सोया की रेसिपी बना रही हूँ। सोया आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे लहसुनी पालक के साथ सोया टलता है, तो इसलिए सोया पालक की ये रेसिपी हो रही है। यहाँ पे सोया चंक्स जो है इसे मैं डाल दूंगी, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट अगेन मेरे यहाँ पे ये डलता है। तो सोया चंक्स को क्या करेंगे, गर्म पानी करके और इसे जो है उबाल लेंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और ढककर छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट बाद ये हमारे जो पालक हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। बस इसे निकाल लेंगे, आप चाहें तो निकाल कर इसे ठंडे पानी में रख दें पालक को, ताकि क्या होता है इसे कलर जो है ना इसके हरे हरे बरकरार रहते हैं। अब मैं देखिए क्या करने वाली हूँ, पालक को जो है मैं ठंडे पानी में तो नहीं पर मिक्सर ग्राइंडर में जो है ठंडा पानी डालकर इसे पीस लूँगी, ताकि इसका हरा हरा कलर बरकरार रहे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने डाले और यहाँ पे ठंडा पानी डालेंगे, और ठंडा पानी डालने के बाद इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें, हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करिए, और देखिए बस इसका हमने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया, बिल्कुल ऐसा। तो ये देखिए इस तरीके से हरा भरा पेस्ट तैयार हो गया। अब इस हरे भरे पेस्ट को करते हैं साइड और चलिए मेन प्रोसेस में चलते हैं, जहाँ पे असल में हमारी कुकिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। देखिए हमने पैन चढ़ा लिया, पैन में ले लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा, यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब जीरा डालने के बाद यहाँ पे 1 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, यहाँ पे 2 तेज पत्ता डाल देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चॉप किए हुए, बारीक चॉप किए हुए कम से कम 2 टीस्पून के करीब अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, और ये देखिए इसको मिक्स करके हम पका लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी ली है साथ में। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम डाल देंगे अब यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और क्या करेंगे ना, प्याज को जो है हमें कुक करना है जब तक कि प्याज का कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए हल्का सा जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाए ना, तब जाके इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। देखिए 1 टेबलस्पून के करीब भर भर के यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। प्याज का कलर भी आपको दिख रहा होगा कि ये ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। अब क्या करेंगे, इसी स्टेज पे जब इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पका लेने के बाद, यहाँ पे 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की मैंने प्यूरी तैयार की थी, अब वो इसमें डाल देंगे। तो देखिए इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम जो हमारा रहेगा ना मीडियम फ्लेम पर हम कुकिंग कर रहे हैं, मिक्स करके इसे पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए आपको मिक्स करके पकाना है। साथ में यहाँ पे डाल देंगे मसाले में 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, यहाँ पे जाएगा 2 टीस्पून के करीब भर भर के धनिया पाउडर, नमक मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था जब मैंने पालक जब ऐड किया था गरम करने के लिए, उबालने के लिए, तब भी मैंने नमक का यूज़ करा। तो यहाँ पे नमक मैंने 1/2 टीस्पून ही ऐड करा, अपने हिसाब के अनुसार नमक ऐड कर दें। यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब। अब देखिए इसे मिक्स कर लेंगे और इसको पूरा ड्राई होने तक, मसाले को पैन छोड़ने तक हमें पकाना है। तो इस तरीके से चलाते हुए ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने पैन छोड़ने तक पका लिया है। वहाँ पे सोया चंक्स जो हमारे बॉईल हो चुके हैं, उन सोया चंक्स को जो है इसमें डाल देंगे, ये देखिए, और मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके जो है सोया चंक्स और इन मसाले को जो है 1 मिनट तक चलाते हुए हम पका लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करके हम चलाते हुए पका लेते हैं, और उसके बाद जो है हमें इसमें डालना होगा पालक का पेस्ट। तो देखिए पका लेने के बाद अब यहाँ पे ऐड कर दूंगी पालक का पेस्ट, जो हमने पालक की प्यूरी तैयार की थी ना, वो प्यूरी इसमें ऐड कर दीजिए। और देखिए आप कितना हरा हरा दिख रहा है, बस वही सीक्रेट है कि इसको तुरंत हमने ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दिया था। मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये देख रहे हैं आप
कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुनहरा लग रहा है, बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अभी आपको लग रहा होगा लहसुन पालक बोला, लहसुनी पालक बोला, लहसुन कहाँ है, दिखेगा। अभी लास्ट में एक ट्विस्ट दिखाने वाली हूँ, वहाँ पे आपको मज़ा आ जाने वाला है। और उसी से सब्ज़ी की पूरी टेस्ट आती है, मतलब पूरी सब्ज़ी की वो जान है। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए प्रॉपरली इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको फ्लेम जो है रखना है मीडियम। अब चूँकि पालक उबला हुआ है, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है 1.5 कप के करीब, तो इसकी ज़्यादा कुकिंग नहीं होने वाली है। ज़्यादा कुकिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी इसके स्पॉइल हो जाएंगे। लास्ट में जो है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया। और गर्म मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसको जो है 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेना है, उससे ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, गर्म मसाला भी डाल दिया, हमारा सब्जी ऑलमोस्ट जो है इसका सारा काम हो चुका है। तो हम इसे ढक देते हैं और जैसे कि मैंने मेंशन करा 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए 5 से 7 मिनट बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए ना, तो बस हमारी सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए आप देख सकते हैं, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये कंसिस्टेंसी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये धीरे धीरे ये सब्ज़ी अपने आप रखे रखे ठंडे होते होते ये गाढ़ी होने लगती है। तो मुझे ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रहा है, मैं एकदम पास से आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। यहाँ पे कर दीजिए गैस को बंद और चलिए एक और काम करते हैं जिससे हमारे पूरे सब्जी में जान आने वाली है। आपको लेना है 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल, इसमें 1 टीस्पून जीरा और भर के जो है मैंने 2 टीस्पून के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया और एक सूखी लाल मिर्च। लहसुन के थोड़ा सा कलर हो जाते ही गोल्डन ब्राउन हो जाते, हम क्या करेंगे इसे तुरंत निकालेंगे और अपने सब्जी के ऊपर डाल देंगे। तो बस इस तरीके से आप सब्जी को एक प्लेट में निकाल लीजिए, उसके ऊपर ये डाल दीजिए और उसके बाद जो है डाल लेने के बाद जो है आप इसे इंजॉय करिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ियाँ के साथ या फिर राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लहसुनी पालक बनके तैयार है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है। और इसमें जो हमने लहसुन ऊपर से फ्राई करके डाला है ना, उससे जो एकदम ढाबे की ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना वो इसी में आती है। बिलीव मी ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, क्योंकि हमने ऊपर से पहले भी जब हम फ्राई कर रहे थे प्याज को तब भी हमने लहसुन का यूज़ करा, जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ करा, पर उससे जो है लहसुन की टेस्ट तो थी ही। ये जो ऊपर से हमने फ्राई करके डाला ना लहसुन को, जो हल्का सा ये इस तरीके से जो कलछन में हमने फ्राई करा, उससे तो भाई बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाने वाला है सब्ज़ी में। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा क्रीम वगैरह डाल दें तो क्रीम से और प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फ्रेश क्रीम जो होती है ना वो मैंने इस तरीके से डाल दिया और ये देखिए इस तरीके से और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो गया हमारा सब्ज़ी और रिच हो गया। तो बस इस रेसिपी को ट्राई करिए, इसको बहुत से लोगों के साथ शेयर करिए। पालक अगर घर में आपके बच्चे लाइक नहीं करते, अगर आपको खुद भी पालक नहीं पसंद है, तो इस तरीके से रेसिपी बनाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। तो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।